स्वागत है आपका विधि सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। बाढ़ के पानी में डूबा है वाटर फिल्टर प्लांट, नहीं पहुंच रहा नलों से लोगों के घरों में पानी। कलेक्टर ने बताया टैंकरों से हो रहा है पानी सप्लाई। रायपुर और नई बस्ती के लोगों की मदद के लिए पहुंची सनातन श्री हिंदू उत्सव की टीम। भेजा जा रहा है लोगों को सुरक्षित स्थान पर। और श्री गणेश उत्सव की तैयारियों के चलते मूर्तिकार दे रहे थे श्री गणेश प्रतिमाओं को रूप। बाढ़ से पहुंचा नुकसान। मूर्तिकारों की मदद के लिए पहुंचे भाजपा नेता के साथ शहर के वरिष्ठ। अब खबर विस्तार से। बाढ़ के पानी से बेतवा जलमग्न होने के कारण शहर में सप्लाई होने वाली पेयजल व्यवस्था पूरी तरह भंग है। कारण, वाटर वर्क्स स्थित फिल्टर प्लांट पानी में डूबा हुआ है, जिस वजह से नलों के माध्यम से घर घर में पेयजल व्यवस्था बंद पड़ी है। लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा टैंकरों के माध्यम से वार्डों में पानी भेजा जा रहा है। कलेक्टर ने बताया इंदिरा कॉम्प्लेक्स टंकी है, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है। तो पानी टैंकर से इस मौसम में जहाँ पानी चारों तरफ भरा, क्या जरूरत पड़ रही सप्लाई करने की? अपार फिल्टर प्लांट जो है वाटर वर्क्स पर, उसमें पानी भरा गया है, जिससे मोटर पंप वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं। इस चक्कर में ये टैंकरों से सप्लाई वार्डों में करना पड़ रही है। वाटर वर्क्स नदी पानी ज़्यादा होने के कारण जो नगर पालिका की सुविधाएँ थी और जो वहाँ मशीनें लगी थी वो डूब गई है। उस कारण जो पानी सप्लाई हो नहीं पा रहा नगर पालिका का, तो नगर पालिका प्रशासन कलेक्टर महोदय द्वारा पानी की पूर्ति के लिए कई ग्रामीण क्षेत्रों के भी टैंकर यहाँ पे लगे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हर जगह जो भी जनप्रतिनिधि या कोई भी साधा वार्डवासी भी अगर यहाँ आ रहा है तो उनको पानी का टैंकर उपलब्ध। क्या कार्य करते हो? ये मैं जल प्रदाय में हूँ सर, संधारण मरम्मत में। क्या स्थिति है अभी शहर में पानी के लिए? पानी के लिए हमारा प्रयास भरपूर है, जितना हम दे सकते हैं। अभी तक 96 टैंकर दे चुके हैं हम जी, और आगे चल रहा है। जब तक हम भी आगे ऊपर अधिकारियों के जब तक है ना जो निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम चलाते रहेंगे टैंकर। मैं पंचायत सचिव हूँ। क्या यहाँ पर कहाँ पर टैंकर लगे हैं आप? नगर पालिका में बस्ती में पानी बांट रहे हैं। 11 टैंकर हैं हमारे, 11 टैंकर चल रहे हैं सुबह से। 11 पंचायत जी, 11 जनपद से आए, विभिन्न पंचायतों के हैं। यहाँ पानी दूषित हो गया, इसलिए शुद्ध पेयजल पब्लिक को पीने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। कितनी टीम लगी आपकी यहाँ पर? हमारे 11 टैंकर चल रहे हैं। बाढ़ के पानी के कारण सांची रोड स्थित द ग्रंथम कॉलेज में पानी भर जाने से महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित कंप्यूटर खराब हो गए हैं। कॉलेज के संचालक ने दी जानकारी। अरे नहीं, रंग ही नहीं आना, आपको इधर से आना है अपने क्या नाम है देख लो आप। अरे नहीं, रंग ही नहीं आना, आपको इधर से आना है अपने क्या नाम है सोडिया वाले जी। कहाँ पर है ये स्थान जहाँ पर आप खड़े हैं? ये सांची रोड रंगई स्थित पर ये ग्रंथम कॉलेज है। यहाँ पर 22 तारीख की रात में बेतवा का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण जो है कॉलेज में अंदर पानी प्रवेश कर गया, और जिसमें छात्रों से संबंधित जो भी कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और आपके स्पोर्ट्स रूम और गायनेकोलॉजी लैब, ये सारी लैबों में पानी भर गया है और भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। लगभग कितने का नुकसान ला सकते हैं? इसमें जो है मेरे अनुमान से लगभग 5-7 लाख का नुकसान है। क्योंकि कारण ये है कि लाइब्रेरी की बुक्स जो है आप समझ सकते हो कि काफ़ी महंगी आती हैं, और लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो 7.5 लाख रुपए की थी, और 12,000 रुपए का एक कंप्यूटर था, 35 कंप्यूटर, और आपके स्पोर्ट्स का जो भी सामग्री थी, पैड हुए क्रिकेट के खेलने वाले, हॉकी हुई, और अपने जो है जो मशीन होती है फोटोकॉपी मशीन, ये सारी पानी भर चुका है इनमें। अब समस्या ये है कि छात्रों से संबंधित जो कागजात थे
उन कागजातों को ध्वस्त होने के लिए हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि मदद के रूप में, सहायता के रूप में जो हमारे कागजात ध्वस्त हो गए हैं उनके लिए पुनः हमारे लिए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जो चिट्ठी हमें भेजना है वो प्राप्त हो जाए, जिस कारण छात्रों के जो अंक सूची हैं जो ख़राब हुई हैं वो उनको अपन सेकंड कॉपी में बनवा के वापस कर दें और हम प्रशासन और शासन। लगातार बारिश के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में वीसी के माध्यम से सभी तहसीलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने दिए। बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के सहायतार्थ मदद करने की बात भी कही गई। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए सनातन श्री हिंदुत्व समिति की टीम आगे आई। रायपुर अवस्थी और नई बस्ती के लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। भोजन पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्यों, ये कितने परिवार है अपने यहाँ पर? एक परिवार है। एक सिंगल परिवार है? हाँ, एक ही परिवार है। और कहाँ है भैया वहाँ? रायपुरा नई बस्ती। तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे और क्या वजह रही वहाँ पर? पानी की स्थिति ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या पानी की स्थिति बनी थी? पानी, घर पूरे डूब गए थे, सारे बच्चे भूखे प्यासे। तो यहाँ पर आपकी देखरेख कौन कर रहा है, किस तरीके से आपकी व्यवस्था हो रही है यहाँ पर? आप लोग ही कर रहा? हिंदू समिति। कितने परिवार के सदस्य यहाँ पर? 20। यहाँ पर कोई सब व्यवस्था चल रही है आपकी? मतलब जैसे कि डॉक्टर वगैरह आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए? हाँ, सब व्यवस्था चल रही है। नगरी जी, आप कहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? ये फ्यूज अक्सर जी का हॉस्पिटल है, 7 SPRT मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसमें सेवाएं दे रहे हैं सर। तो ये जो आपके यहाँ जहाँ पर आपने जो राहत शिविर बनाया है जी, ये लोग कहाँ से आए और किस वजह से यहाँ पर हैं? ये रायपुरा से आए, पानी ज़्यादा भरा गया था घरों में, तो बाढ़ पीड़ित थे, तो उनको हिंदू उत्सव समिति द्वारा इधर पे लाया गया है और सेवाएं देने का मौका मिलता है। उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं? सभी देख रेख करना है, मतलब किसी को तबीयत ख़राब से लेके या कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका भी राउंड होता है, डॉक्टर साहब भी आते हैं देखने के लिए, और बाकी हम लोग भी रात भर रहते हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं यहाँ पे? समथिंग 20 से 22 लोग हैं यहाँ पे। प्रथम तो यहाँ पे समाज की अगर बात ना करें, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूँ, ये सभी लोग मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। ये रायपुरा बस्ती, रायपुरा और गुठान के बीच की जो बस्ती है वहाँ से रेस्क्यू किया था इनको। इनके सभी के घरों में काफ़ी पानी भर गया था, घर सारे जलमग्न हो गए इनके। वहाँ से रेस्क्यू करके सनातन श्री हिंदुत्व समिति ने बाढ़ राहत केंद्र बनाया है यहाँ पे। ये लोग कल पहुँचे थे, कल से इनकी देखरेख यहाँ की जा रही है। सामने हमारे हॉस्पिटल है डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का, उनके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। भोजन की सुविधा, दोनों टाइम भोजन नाश्ते की सारी व्यवस्थाएँ हैं, रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे, सारे सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स, सब तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे। कहीं लगभग कितने ये पुरुष महिला? ये 20-22 लोग के आसपास हैं लोग, उनकी सूची है मेरे पास, आप चाहेंगे तो मैं आपको मुहैया करा दूंगा। 22 लोगों की पूरी सूची है मेरे पास, और मैं तो अभी आपके माध्यम से और भी निवेदन करूंगा, शहर में अगर कोई फंसा है तो हमारे पास करीब 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है, स्वास्थ्य भोजन और उत्तम ठहरने की व्यवस्था है। अगर आपके माध्यम से ये सूचना पहुँचती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और भी आना चाहें, और मुस्लिम भाई बिल्कुल निसंकोच यहाँ आ सकते हैं, सनातन हिंदू उत्सव समिति सब धर्मों को सबको साथ लेके काम करने का कार्य कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन व्यवस्था मुख्य बाजार में देखी गई। शहर में कई स्थानों पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है। कई घरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते समाज सेवियों द्वारा भोजन व्यवस्था की जा रही है। सुबह शाम भोजन बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के यहाँ भेजा जा रहा है। ये बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने आपदा प्रबंधन टीम, जो प्राइवेट हमारे साथियों के द्वारा बनाई गई है, ये प्राइवेट आपदा प्रबंधन टीम है। जो भी बाढ़ से प्रभावित हुए उन सबके लिए निरंतर पिछले सोमवार से ही
यहाँ पर 2400 घंटे भोजन हम बनाकर दे रहे हैं। संस्था कर रही है ये संस्था तो ऐसा बंगला घाट सेवा समिति के नाम से हमारा एक संगठन है, आप उसका भी नाम इसको दे सकते हैं और भोजनालय समिति है बाढ़ प्रभावित उसका नाम भी दे सकते हैं। वैसे बंगला घाट समिति ही इसको देख रही है। अभी तक कितने लोगों को अपन मदद कर चुके हैं? ये तो एक निश्चित तो मैं नहीं बता सकता संख्या, लेकिन कम से कम 5000 पैकेट पर डे हम यहाँ से भेज रहे हैं। श्री गणेश उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। श्री गणेश की प्रतिमाओं को रूप दिया जा रहा था, जहाँ बाढ़ के कारण निर्मित हो रही श्री गणेश की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचा है। प्रतिमा निर्मित कर रहे मूर्तिकारों के पास पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सनातन श्री हिंदू समिति व हिंदू जन मंच की टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने हर संभव मदद की बात मूर्तिकारों से कही। वहीं शहर में लगने वाली श्री गणेश की झांकी अध्यक्षों की बैठक कल होगी। श्री गणेश की छोटी प्रतिमाएं विराजमान करने की बात कही गई। प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं के चलते भाजपा नेता मुकेश टंडन को ज्ञापन सौंपा है। नहीं सूख पाते, मिट्टी रहती है भाई साहब, मिट्टी प्यार जो अंदर रहता है ना वो बिल्कुल पानी पी चुका है, प्यार सूखा रहता है तो ऊपर मिट्टी सूख जाती है, अब वो प्यार ही गीला हो गया तो कहाँ से मिट्टी सूख होगा। अंकल कुछ लोग पैसे ही वापस मांग रहे हैं जो एडवांस दिया था लोगों ने, उसका प्रेशर रहता है। चल रही थी और ऐसे में बरसात में गणेश प्रतिमा जो बननी थी उनको क्षति पहुँचाई है, और ऐसे में उनके साथ बड़ी दो स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक तो यहाँ पर जो झांकी वालों ने एडवांस दे रखा था उनके वो लोग परेशान कर रहे हैं, दूसरा उनका नुकसान हुआ है वो उसके लिए अपन क्या किया जाए। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति कल एक बैठक बुला रही है, उस बैठक में गणेश उत्सव समितियाँ जितनी भी हैं शहर की सभी को बुलाएंगे और उनसे इस परेशानी को साझा करेंगे और उनसे मदद की अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई जितने भी मूर्तिकार विदिशा के थे बाहर से आए थे उन सभी का भारी नुकसान हुआ है, आपने अग्रिम राशि भी अगर मूर्ति बुकिंग के समय दी है तो बहुत कम, 10,000 की प्रतिमा में 1,000-1,500 रुपये देते हैं और वो भी एक सामूहिक रूप से दिया जाता है, तो सामूहिक रूप से जो पैसा है उनका व्यक्तिगत जेब से तो गया नहीं है, तो उन सबसे सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति अपील करेगी कि भाई अगर मूर्ति तैयार हो जाती है, मूर्तिकार तैयार कर देता है तो वो बिना दबाव बिना प्रेशर के उन मूर्तियों को ले लें, पर किसी प्रकार का मूर्तिकारों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें। साथ ही अगर संभव नहीं हो रहा है तो छोटी प्रतिमा स्थापित करें, मार्केट में छोटी प्रतिमाएं, छोटे छोटे साइज की प्रतिमाएं हैं, गणेश जी की प्रतीकात्मक अपन रख के पूजा कर सकते हैं। ये सारे बिंदुओं पे कल सनातन श्री हिंदुत्व समिति एक बैठक के माध्यम से और दुर्गा गणेश उत्सव समितियों को भीषण अतिवर्षा होने के कारण पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुए हैं तो निचली बस्तियाँ हुई हैं। जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर मूर्तियाँ गणेश जी की बन रही थी, गणेश चतुर्थी जो है 31 तारीख को है, शहर में सैकड़ों स्थानों पर गणेश जी विराजते हैं। ये सबसे पुराना शहर का मूर्तिकार परिवार है लीलाधर जी का, उनके बेटे विजय और अशोक यहाँ पर अपने 10 साथी कलाकारों के साथ मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, और अति वर्षा होने के कारण ये डूब क्षेत्र में आ गया, सारी मूर्तियाँ प्रभावित हो गई। ये जो बाहर से कारीगर आए थे, बाकी जिनको इनने ऑर्डर लिया था जहाँ मूर्तियाँ इनको देना थी, वो सब के सब काम पूरी तरीके से जो है प्रभावित हो गया। अब इनके सामने संकट ये है, एक तो इनकी जो लागत लग गई वो तो ठीक है, साथ में लोग ये भी चाहते हैं कि 31 तारीख तक मूर्ति इनको मिल जाए, जो कि अब असंभव सा लग रहा है, क्योंकि पानी में एक बार मूर्ति डूबने के बाद मिट्टी की मूर्ति है, प्रतिमा है, वो एक बार फिर अपने मतलब उसको सूखने में ही काफ़ी समय लगता है। तो इन्हें आपने प्रशासन से भी मांग की है, मेरे को भी ये ज्ञापन दिया है, मैं भी DM से बात करूँगा, इनको जो आर्थिक रूप से जो मदद हो सकती है वो तो बाढ़ के प्रभावित होने के कारण इनको मिलेगी, साथ में हिंदुत्व समिति के भी हमारे सभी साथीगण यहाँ पर हैं, अध्यक्ष जी हैं, संजू भैया हैं, बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, कुलदीप हैं, सुरेंद्र हैं, बाकी सारी टीम यहाँ पर, मनोज हैं, राजकुमार हैं, सारी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है,
सब मिलकर प्रयास ये करेंगे कि जो हमारे झांकी लगाने वाले झांकियों के अध्यक्ष हैं, जो झांकियों के जो लगाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, सबसे एक बार बात करके, हमारे शहर के सभी विद्वानों से बात करके, अगर संभव हो जाए, क्योंकि चतुर्थी के दिन तो गणेश जी की स्थापना होती है, वह उसके बाद अगर ऐसा कोई विधान होता हो, दो तीन दिन बाद भी बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की जा सकती हो, तो इस परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और हमारी धार्मिक जो एक शहर का पहचान है, क्योंकि अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, ग्यारस का दिन विसर्जन होता है, तो मूल स्वरूप जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दर्शन करने आते हैं, पूरा शहर दर्शन के लिए उमड़ता है, झांकियों में बच्चे जाकर दर्शन करते हैं, तो वो दो तीन दिन के बाद भी अगर वहाँ बड़ी मूर्ति स्थापित होती है तो भी हमारे शहर की जो परंपरा है वो कायम रहेगी और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी बनी रहेंगी, और ये परिवार जो आर्थिक रूप से एक संकट के कागार पर है, इसकी भी मदद हो जाएगी। ये प्रयास सारे साथी मिलकर करेंगे, ये इस परिवार को भी आश्वासन दिया है, बाकी जिला प्रशासन से तो बात करेंगे। यहाँ पर जो प्रतिमाएं बना रहे हैं गणेश साहब और दुर्गा साहब की, तो ऐसे में इनके साथ जो संकट आया उसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम भी लगभग 25 वर्षों से झांकी लगाते हैं, बहुत बड़ी झांकी लगा रहे हैं, हम भी यहाँ यही देखने आए थे, और सबसे जो झांकी लगाने वाले हैं सबसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इनकी स्थिति देखते हुए एक तो इन पर जोर ना बनाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद स्थिति ये दिख रही है कि लोग बाग जोर बना रहे हैं, जब वो खुद जहाँ आके देखेंगे तो स्थिति दिखेगी कि बहुत दयनीय स्थिति है, सारी मूर्तियाँ बेकार हो चुकी हैं, और इन्होंने तो पैसे लेके और ये काम शुरू किया था, लोग बागों ने तो 25,000 की मूर्ति 500 दे के और काम शुरू करवा दिया, इनकी स्थिति आर्थिक बहुत ख़राब है। हम लोग आज यहाँ आए थे, इनकी इन सबसे मिले और देखा कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो अन्नू भाई ने 5,000 रुपये की सहायता इनको दी है, मैं भी जल्द से जल्द इनको जो राशि उपलब्ध हो सकेगी मैं अपनी तरफ से इनको उपलब्ध कराऊंगा, और सबसे भी यही आशा है कि जितनी अधिक से अधिक सहायता इनको नगद कर सकें इनको करें। राज जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति जी, आज यहाँ पर कहाँ पर आए हुए और क्या स्थिति देख रहे हैं और उनके लिए क्या मदद करेंगे? यहाँ बहुत बेकार स्थिति हो गई है, ये हमारे स्थायी एवं कलकत्ता से आए हुए कलाकार हैं जिनके द्वारा मूर्ति निर्मित की जा रही थी, लगभग 150 मूर्ति इन लोगों ने बनाई थी, हमारे यहाँ के प्रत्येक वार्ड के लोगों द्वारा इधर मूर्ति बुक की गई थी, जिस बाढ़ के कारण पूरी मूर्तियाँ लगभग 70% क्षतिग्रस्त हो गई। जैसा सवाल यहाँ पर यह था कि यह मूर्ति गल गई है बाढ़ में, लेकिन जिन्होंने इनको ऑर्डर दे दिया था, जिन्होंने बाढ़ों में जो उत्साह यहाँ की लगती उनमें उत्साह था, अब वो उसके उनके लिए किस तरीके से मैनेज करेंगे? अब इनका कहना तो ये है कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिन लोगों ने जो बुक करी थी, क्योंकि ये आप खुद देख रहे हैं कि इनके पास कारीगरों की भी कमी हो गई है, क्योंकि बाढ़ के कारण लोग आ भी नहीं पा रहे हैं और ये इतने जल्दी इतनी मूर्तियों को कंप्लीट कैसे ही नहीं कर पाए। निकासा रोड कुमार गली जी, क्या कार्य करते हो? जी, मूर्ति निर्माण का कार्य करते हैं। तो अभी कौन सा उत्सव था जिसकी मूर्ति तैयार कर रहे हैं आप? अभी सर गणेश उत्सव की तैयारी चल रही थी, ये हमने मई जून से काम स्टार्ट कर दिया था जी, बट ये भारी बारिश आई, अभी बाढ़ आ गई तो उसमें काफ़ी मूर्तियां डूब गई हैं अपनी, लगभग 80% से ज़्यादा अपना लॉस हो गया इसमें। लगभग कितनी प्रतिमाएं आप निर्माण कर रहे थे आप? लगभग थी अपनी 150 प्रतिमाएं थी। इनकी लागत और कर्मचारी कितने और कहां से आए हुए थे? कर्मचारी कुछ कलकत्ता के हैं, बाकी फिर यहीं के हैं विदिशा के। कितना मतलब नुकसान हो रहा है आपका? लगभग नुकसान लगभग 12-15 लाख के बीच में है। तो ये आप कब से तैयारी कर रहे थे? ये मई जून से स्टार्ट हो गया था सर काम अपना। तो ये तबाह कैसे हो गई, मतलब किस तरीके से गले, क्या कारण था? जे बारिश भारी हुई और बाढ़ आ गई थी, यहाँ पे पानी अंदर हो गया था, तब पंडाल पूरा डूब गया था हमारा पानी में। तो आपके अलावा और भी यहाँ पे कोई मूर्ति निर्माण कर रहा है प्रतिमा निर्माण? जी, यहाँ पे हैं राजू बंगाली है बाजू में, वो बना रहे हैं, और हरी प्रजापति हैं, वो भी बना रहे हैं यहाँ पे। रामलीला रोड की दुकानों में बाढ़ का पानी भर जाने से दुकान में रखी सामग्री सहित फर्नीचर पूरी तरह खराब हो गया है। एक मोबाइल की दुकान का सामान बर्बाद हो गया है, जबकि प्रशासन द्वारा बाढ़ से पहले दुकानों से सामान निकालने की बात भी कही गई थी और निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अन्य जगह न मिलने से दुकान संचालक को काफी नुकसान पहुंचा है। रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार से शराब के नशे में धुत ड्राइवर स्टेशन परिसर में जा घुसा और माता मंदिर के सामने बैठे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जहां भीड़ ने शराबी ड्राइवर की जमकर धुनाई भी लगा दी और पुलिस के हवाले कर दिया।
पकड़ पकड़ छोटी जान मत दीजिए, मारो नहीं 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 आज की खबरों को देखते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विनी संयम की।